आपसे बता रहा था इनके लिए, इनके लिए एक सेकंड, तीन राज्यों को आपने नहीं देखा, तीन राज्यों को आपने नहीं देखा। अरे भाई साहब, 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की नहीं थी, तब आप कह रहे थे 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया, उसके बाद सरकार पलटी ना, तो आप उस समय का माने जीतना पैमाना नहीं होता है, पैमाना आप यानी चुनाव जीत गए इसके बाद मुद्दे खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा, मुद्दे रहेंगे, मुद्दे ओपीएस का रहेगा, नहीं नहीं मुद्दा यहाँ पे रहेगा, अत्याचार रहेगा, अग्निवीर का मुद्दा रहेगा, मुद्दा नहीं खत्म होगा। अनुराग भदौरिया, मुद्दा मुद्दा सवाल, बड़ा सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश में मिलके लड़ लेंगे कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, हो जाएगा गठबंधन? आज बैठे तो हैं, मायावती तो है नहीं, क्या एक चीज आप याद रखिए, कर लेंगे। जब राष्ट्र को जरूरत होती है ना, राष्ट्र सबसे पहले होता है, उसके बाद कोई दल और बात आती है। हम राष्ट्र के मुद्दे पे एक हुए हैं, राष्ट्र बचाने की जरूरत है, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर 141 सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को, बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है, मध्य प्रदेश में आपका अपमान हो, उसे भूल गए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, अपने नेता के अपमान को भूल गए, भारतीय जनता पार्टी को अनुराग, संविधान को अपने नेता के अपमान को भूल गए, बचाने की लड़ाई है अनुराग जी, अनुराग भदौरिया, बचाने की लड़ाई है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा नेता के अपमान को भूल गए? मैं कह रहा हूँ संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है। ओके शहजाद, कोई कमेंट, उसके बाद ऋतुराज झा। देखिए ऐसा है, कभी कभी तो लगता है कि अनुराग जी का एआई वर्जन ही बोल रहा है, सवाल जो भी हो रटे रटाए वही जवाब होते हैं। परंतु मेरा एक सवाल, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, राष्ट्र के लिए हम एक है, संविधान के लिए एक है। रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के विषय में जो बोला, उस पर क्या स्टैंड है? अखिलेश जी आज क्या बोलेंगे उस पर? मीटिंग में जाएंगे और कांग्रेस में बैठेंगे कि तुमने वो मुख्यमंत्री बनाया जिसने कुर्मी समाज को गाली दी? राष्ट्र के लिए एक हो रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे, समाज के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे, ओबीसी समाज के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे, अनुराग जी अब राष्ट्र के लिए है, अब संविधान के लिए है, कुछ तो बोलिए अनुराग जी, क्यों आपकी बोलती बंद हो जाती है? आप तो बीजेपी के लिए 10 बार बोलते हैं, कांग्रेस में उस पर नहीं बोलेंगे जो कि इनको सूट नहीं कर रहा है, इधर उधर की बातें करेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे, राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, ओबीसी समाज के लिए बोल रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं, ये बोलो ये जो मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, हिंदुस्तान मुद्दों पे इस बार 2024 में चुनाव लड़ेगा और जनता इस बार देश की जनता। ओके वन सेकंड ऋतुराज झा, अब रुक जाइए ऋतुराज झा उसके बाद आ रहा हूं। ऋतुराज झा, अच्छा ये बोल दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में रुके ना शहजाद, अब एक सेकंड कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो, अरे एक सेकंड, अरे अनुराग, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, ये सब देश हमारा। ऋतुराज झा को लाइए स्क्रीन पर, ओनली ऋतुराज झा और कोई नहीं, सिर्फ ऋतुराज झा। अरे उन्होंने छोटी मोटी बात बोला, ऋतुराज झा का टाइम, एक सेकंड नहीं मानक जी, उन्होंने ऋतुराज झा क्या गठबंधन हो जाएगा, सीट शेयरिंग दिल्ली और पंजाब में हो जाएगी, बोलिए। स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हेलो, सुन रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में गठबंधन कर लेंगे क्या? छोटी मोटी बात बोली है। किस चीज को? उन्होंने बोला रेवंत रेड्डी का बिहार के विषय में टिप्पणी, छोटी मोटी बात है, अधिकृत स्टैंड है ये। नहीं मानक जी आप इंटरव्यू कीजिए, मानक जी आप इंटरव्यू कीजिए। शहजाद आप पहले बैठिए तो सही, आप बैठिए, अरे आप बैठिए ना, मैं अपनी व्यथा, आप बैठिए ना, अरे आप बैठिए, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा ऐसे। ऋतुराज, अनुराग रुक जाइए, किसी का ऑडियो नहीं जाएगा। बाकी सब छोड़ दीजिए, शहजाद वन सेकंड, मैं ऋतुराज झा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, प्लीज नहीं, वो भी सम्मानित है, उनको भी पूरा टाइम देना मेरी जिम्मेदारी, मैं उसके बाद आऊंगा, उसके बाद बोलिएगा।